लास्ट टाइम हमने ट्रांसफॉर्मर किया था, ट्रांसफॉर्मर की थ्योरी हमने की थी और ट्रांसफॉर्मर के अंदर कुछ फॉर्मूलाज किए थे हमने। क्या फॉर्मूलाज किए थे कि सपोज ये एक ट्रांसफॉर्मर है और ये इनपुट है एसी और ये आउटपुट है और ये आउटपुट की रेजिस्टेंस है। लेफ्ट वाले सेक्शन को क्या बोलते हैं? प्राइमरी। राइट वाले को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। या फिर लेफ्ट को बोलते हैं इनपुट और इसको बोलते हैं आउटपुट। इस रेजिस्टेंस का नाम है लोड रेजिस्टेंस और ये लोड रेजिस्टेंस हमेशा कहाँ पे लगी होती है? इन सेकेंडरी या आउटपुट। इनपुट वोल्टेज अगर ईपी है, आउटपुट वोल्टेज अगर ई एस सेकेंडरी है, इनपुट करंट अगर आईपी है, आउटपुट करंट आई एस है और नंबर ऑफ टर्न्स इसमें एन पी है, नंबर ऑफ टर्न्स इनमें एस एन एस है, तो ई एस बाय ई पी इज ऑलवेज इक्वल टू एन एस बाय एन पी। क्या ये रूल नंबर वन सबको क्लियर है? ये फॉर्मूला याद रखना। दूसरा, अगर आपका ट्रांसफॉर्मर 100% एफिशिएंट है तो इनपुट पावर इज ऑलवेज इक्वल टू आउटपुट पावर। इनपुट पावर कितना है? इनपुट में कौन है? प्राइमरी, तो ई पी इंटू आई पी। आउटपुट में कौन है? ई एस इंटू आई एस। क्लियर है यहां तक? तो यहां पे ई एस बाय ई पी इज इक्वल टू आई पी बाय आई एस। क्या ये पॉइंट क्लियर है? और ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब ट्रांसफॉर्मर 100% एफिशिएंट है। ये फॉर्मूला ऑलवेज एप्लीकेबल है चाहे ट्रांसफॉर्मर 100% एफिशिएंट है या नहीं है, ठीक। और इसमें अगर मान लो नंबर ऑफ टर्न्स की बात करते हो तो ई एस बाई ई पी इज एन एस बाई एन पी, ये लो। तो ये फॉर्मूला तब लगेगा 100% एफिशिएंट, नहीं तो ये तो लगेगा लगेगा। और अगर ट्रांसफॉर्मर 100% एफिशिएंट नहीं है तो एफिशिएंसी इज आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। तो आउटपुट पावर क्या होता है? ई एस आई एस। इनपुट क्या होता है? ई पी आई पी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो अगर ट्रांसफॉर्मर 100% एफिशिएंट नहीं है तो आउटपुट पावर को इनपुट पावर से डिवाइड करना पड़ेगा तभी एफिशिएंसी आएगी, तो आएगी नहीं। कोई डाउट? ठीक है यहां तक। नेक्स्ट, इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल में न्यूमेरिकल नंबर वन 67। तो 67 क्वेश्चन में क्या गिवन है? द प्राइमरी कॉइल ऑफ एन आइडल स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हैज 100 टर्न्स। तो ये क्या गिवन है? एन पी एंड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 100। तो के ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होती है, क्लियर है? और के का मतलब क्या होता है? एन एस बाय एन पी या फिर ई एस बाय ई पी इज इक्वल टू के। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आपको इस क्वेश्चन में गिवन है। तो प्राइमरी कॉइल ट्रांसफॉर्मर 100 टर्न्स है, यानी कि क्या गिवन है? एन पी 100 गिवन है एंड एन एस बाय एन पी की रेशियो आपको कितनी गिवन है? 100 गिवन है। इनपुट वोल्टेज एंड पावर, इनपुट में कौन होता है? प्राइमरी। तो यानी कि मुझे क्या गिवन है? इनपुट वोल्टेज ई पी कितनी गिवन है? 220। एंड पावर, पावर क्या होता है? ई पी इंटू आई पी या फिर ई एस इंटू आई एस, कितना गिवन है? 1100। कैलकुलेट नंबर ऑफ टर्न्स इन दी सेकेंडरी। तो आपको ये रेशियो पता है, इस रेशियो में आपको एन पी पता है, एन पी की वैल्यू यहां पर क्या पुट कर लेनी है? 100। तो सॉल्व करके क्या जाएगा? एन एस। तो फर्स्ट पार्ट हो गया क्लियर। नेक्स्ट पार्ट क्या निकालना है? करंट इन दी प्राइमरी। अब मुझे ये पता है जो प्राइमरी है, प्राइमरी ई पी इंटू आई पी का प्रोडक्ट कितना गिवन है? 1100। तो इसमें मुझे ई पी ऑलरेडी गिवन है, कितना? 220 इंटू आई पी इज इक्वल टू 1100। सॉल्व करके क्या जाएगा? आई पी। ये भी क्लियर है यहां तक? तो करंट भी आ गया प्राइमरी में। नेक्स्ट है वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी, यानी कि ई एस। तो ई एस बाय ई पी की रेशियो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। आपको क्वेश्चन में ई पी ऑलरेडी गिवन है, कितना? 220 क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या जाएगा? ई एस।
ये भी क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है करंट इन द सेकेंडरी, सेकेंडरी का करंट आई एस है, तो आपको ई एस पता लग गया, यहां से ई एस पता लग गया, तो ई एस इंटू आई एस 1100, तो यहां से क्या जाएगा आई एस, ये भी आ गया। पावर इन द सेकेंडरी, इनपुट की पावर कितनी है 1100, ट्रांसफॉर्मर 100% एफिशिएंट है, तो आउटपुट की पावर कितनी है 1100, तो आंसर विल रिमेन सेम। तो आइडिया समझ में आ रहा है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, उसी को हम बार बार यूज करते जाएंगे अलग अलग तरीके से, तो ये इसके सारे पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 68, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर एसी पे काम करता है, एसी एसी चैप्टर अभी हमने करना है, एसी चैप्टर में रेजिस्टेंस को इंपीडेंस भी बोलते हैं, डीसी की रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस है, एसी के रेजिस्टेंस को इंपीडेंस भी बोलते हैं, तो इसलिए वर्ड क्या यूज किया जाएगा यहां पर कहीं ना कहीं इंपीडेंस, तो इंपीडेंस का मतलब रेजिस्टेंस है जो कहां पर लगी होगी इनपुट में या आउटपुट में, आउटपुट में लोड रेजिस्टेंस या इंपीडेंस कहां पर होगी आउटपुट में, सेकेंडरी में। तो करें ट्राई एक बार, तो इसके अंदर हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय द प्राइमरी, तो इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, मुझे आई पी निकालना है। इस बुक में आई वन ई वन को प्राइमरी बोलते हैं, आई टू ई टू को सेकेंडरी बोलते हैं, मतलब मैं ई पी आई आई पी लिखता हूं या आई एस लिखता हूं, ये वन टू लिखता है। जैसे आपको क्या निकालना है, करंट ड्रॉन बाय द प्राइमरी यानी कि आई वन निकालना है, स्टेप डाउन 220 वोल्ट टू 22 वोल्ट, मतलब 220 वोल्ट इनपुट है, इनपुट का मतलब ई वन, आउटपुट में कौन है 22 ई टू, और इंपीडेंस का मतलब आउटपुट के रेजिस्टेंस, जेड से आर की जगह जेड लिखते हैं इंपीडेंस को, तो जेड यानी कि रेजिस्टेंस ही है जेड टू। तो आपको इस क्वेश्चन में ई टू पता है, जेड टू रेजिस्टेंस पता है, तो सॉल्व करके क्या जाएगा आई टू, आई टू आ गया, और क्योंकि ट्रांसफॉर्मर 100% एफिशिएंट है, तो आई वन इज इक्वल टू ई टू आई टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आई वन निकालना है, इनपुट करंट निकालना है, तो आपको इस क्वेश्चन में ई टू की वैल्यू पता है, आई टू आपने निकाल लिया, ई वन आपको पता है, सॉल्व करके क्या आ गया आई वन आ गया। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, आई वन की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, तो ट्रांसफॉर्मर हैज कितने टर्न्स, 500 टर्न्स इन प्राइमरी, तो क्या गिवन है एन वन, 1000 टर्न्स इन सेकेंडरी, क्या गिवन है एन टू, प्राइमरी वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज का मतलब है ई वन, एंड लोड, लोड रेजिस्टेंस का मतलब आर टू 100, करंट इन द प्राइमरी एज्यूमिंग आइडल ट्रांसफॉर्मर का मतलब 100% एफिशिएंट है, तो मुझे क्योंकि ई टू, क्योंकि मुझे आर टू पता है, तो R2 की वैल्यू पता है, और मुझे ये भी पता है, तो एक काम करते हैं पहले E2 निकाल लेते हैं, E2 by E1 is equal to N2 by N1, तो क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में E1 पता है, N2 N1 पता है, सॉल्व करके क्या आ गया E2 आ गया। अब क्योंकि E2 आ गया, रेजिस्टेंस मुझे इंपीडेंस पता है ऑलरेडी, तो सॉल्व करके क्या आ गया I2 आ गया, I2 आ गया, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर 100% एफिशिएंट है, तो E1 I1 is E2 I2, क्योंकि मुझे प्राइमरी करंट I1 निकालना है, तो E2 पता है, I2 पता है, और E1 पता है, सॉल्व करके क्या आ गया 8 एम्पियर आंसर आ गया। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, इन एन आइडल ट्रांसफॉर्मर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर गिवन, तो एन वन एन टू गिवन, पावर इनपुट टू द प्राइमरी गिवन है,
तो इनपुट पावर गिवन है और 200 वोल्ट इनपुट वोल्टेज गिवन है, कैलकुलेट आउटपुट वोल्टेज एंड करंट इन दी प्राइमरी। तो N1 पता है, N2 पता है, E1 पता है और P1 पता है। तो क्या करेंगे इसमें, N2 बाई N1 इज E2 बाई E1 से क्या जाएगा, E2 आ गया एक आंसर। और इनपुट पावर क्या है, I1 E1। तो क्या निकालना है, इनपुट करंट निकालना है। तो करंट क्या होगा, P1 बाई E1, E1 पता है, P1 पता है, यहाँ से करंट आ जाएगा। तो कुछ नहीं है, वही फॉर्मूला, या तो पावर का फॉर्मूला है या रेशियो का फॉर्मूला है, उसी को बार बार यूज करना है, राइट। इस क्वेश्चन में आप इस क्वेश्चन को 72 को, देखो क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर ऑफ 100% एफिशिएंसी हैज 200 टर्न्स इन द प्राइमरी, तो N1, 40,000 इन सेकेंडरी, N2, इट इज़ कनेक्टेड टू 220 वोल्ट AC मेंस, तो ये इनपुट है E1, एंड सेकेंडरी फीड्स टू 100 रेजिस्टेंस, सेकेंडरी रेजिस्टेंस हमेशा सेकेंडरी में होती है R2, क्या 100 किलो ओम करो, यहाँ पे रेजिस्ट करेक्शन है, किलो ओम करो, किलो ओम रेजिस्टेंस। कैलकुलेट आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस पर टर्न, तो आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वोल्टेज इन सेकेंडरी, तो आपको वोल्टेज इन सेकेंडरी नहीं निकालनी, वोल्टेज इन सेकेंडरी को नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी से क्या करना है, साथ में डिवाइड भी करना है, ठीक। तो इसके अंदर E2 बाई E1, N2 बाई N1, तो सॉल्व करके क्या जाएगा, E2 एक आंसर आ गया, पर आपको E2 नहीं निकालना, आपको सेकेंडरी की वोल्टेज निकालनी, सेकेंडरी की वोल्टेज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी, तो EMF पर टर्न आ गई, या वोल्ट पर टर्न भी आएगा, करेक्शन है, वोल्ट पर टर्न आएगा। और क्या निकालने से, पावर डिलीवर टू दी लोड, लोड का मतलब क्या, आउटपुट रेजिस्टेंस, तो इसकी पावर क्या होगी, E2 इंटू I2, या तो E2 I2 पुट कर दो, पर इससे प्रॉब्लम है I2 निकालना पड़ेगा, इसकी जगह एक काम करो V² / R कर दो, कि आउटपुट पावर क्या होता है, V² / R, V क्या है, E2² / R2, तो E2 पता है, R2 पता है आंसर, तो आउटपुट पावर आ गई। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला लगा दिया आंसर। नेक्स्ट 73 क्वेश्चन, देखो इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू रिड्यूस द मेन सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट टू 11 वोल्ट, तो ये क्या है प्राइमरी E1, ये क्या है E2, इफ प्राइमरी ड्रॉज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, तो क्या गिवन है I1 और ये क्या गिवन है I2, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर, इसका मतलब ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट नहीं है, आपको E1 पता है, I1 पता है, E2 पता है, I2 पता है, तो एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इंटू 100 आंसर, क्लियर है यहां तक, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इंटू 100 करोगे इसकी क्या जाएगी एफिशिएंसी। 74
तो क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट करंट ड्रॉन बाय द प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर, तो क्या निकालना है आई वन, विच स्टेप्स डाउन 200 वोल्ट टू 20 वोल्ट, तो 200 वोल्ट टू 20 वोल्ट का मतलब स्टेप्स डाउन है, तो E1 क्या है, गलत नहीं है इसमें, उल्टा नहीं है, 200 वोल्ट टू 20 वोल्ट उल्टा क्या हुआ है, तो मेरे ख्याल से 200 वोल्ट को होना चाहिए E1 और E2 क्या होना चाहिए 20 वोल्ट, हाँ ऐसा उल्टा किया हुआ है कुछ। टू ऑपरेट अ डिवाइस ऑफ रेजिस्टेंस गिवन कैलकुलेट एफिशिएंसी, देखो इसमें चलो वैल्यू तो जो गलत ले ली उसने जो लेनी नहीं, ठीक है इसने, देखो E2 को 20, हाँ ठीक है, ऊपर ही गलती है नीचे ठीक है, तो आपको एफिशिएंसी पता है E2 I2 E1 I1, तो आपको इस क्वेश्चन में E1 पता है E2 पता है, और अगर E2 पता है R2 पता है तो समझो क्या पता है I2 भी पता है, तो आपको एफिशिएंसी भी पता है 80%, तो 80/100 आपको क्या निकालना है I1 निकालना है, तो आपको E2 पता है I2 पता है E1 पता है एफिशिएंसी पता है, क्या नहीं पता I1, तो I1 कैन बी कैलकुलेटेड, तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, I1 की वैल्यू आ जाएगी राइट। नेक्स्ट 75th क्वेश्चन नहीं होगा अभी क्योंकि इसमें AC का कॉन्सेप्ट यूजर है, ऑल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि जो EMI का टॉपिक है हमने पहले किया EMI, फिर बीच में हमने क्या करना था AC, फिर क्या करना था ट्रांसफॉर्मर, हमने सीधा EMI से क्या जंप किया ट्रांसफॉर्मर, तो एक आध क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें AC का कॉन्सेप्ट है, इसको छोड़ सकते हैं, ये होमवर्क है, ये अनसॉल्व प्रॉब्लम आपने ट्राई करनी है ठीक है।